चमोली में नमामि गंगे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में हुए करंट हादसे में 16 लोगों की मौत और 6 लोगों के घायल होने के बाद अब कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए हैं। एक तरफ जहां भाजपा सरकार के गंभीरता से काम करने की बात कर रही है, वहीं अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने चमोली से देहरादून लौटने के बाद बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए पत्रकार वार्ता की है। देखिए, प्रभारी मंत्री तो हरेली के प्रोग्राम में वहां थे, इसलिए सौभाग्य से, नहीं तो जहां भी आपदा आ रही है इनके प्रभारी मंत्री नहीं जा रहे। आपने देखा है 7 दिन के बाद सतपाल महाराज हरिद्वार पहुंचते हैं, लेकिन वहां की स्थिति यह है कि जो UPCL के अधिकारी हैं, जो नमामि गंगे के अधिकारी हैं, मेरे पहुंचने तक नहीं आया था कोई भी जिम्मेदार अधिकारी। इसका मतलब सरकार का प्रेशर नहीं है। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो कर्मचारी इसके लिए जिम्मेदार माने जा रहे हैं, उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, हमारी मांग है। और सरकार के इंतजाम पूरे नहीं हैं। जिन लोगों को परसों कल सुबह एयरलिफ्ट किया गया जॉली ग्रांट के लिए, उन लोगों के लिए बेड की व्यवस्था नहीं थी और आज वापस जाने के लिए भी व्यवस्था नहीं थी। जब आदरणीय हमारे गणेश गोदियाल जी और जयंत रमोला वहां पहुंचे, उन्होंने वहां हल्ला गुल्ला किया, उसके बाद जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था SDM ने की, जबकि सरकार को इस चीज़ के लिए पहले से तैयारी रखनी चाहिए थी, बेड की भी और जाने की व्यवस्था की भी। दूसरा, जो लोग मरे हैं उनके मुआवजा बहुत कम सरकार ने घोषित किया है। 5 लाख से एक परिवार एक साल भी गुजारा नहीं कर सकता, कम से कम 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उनको मिलनी चाहिए। घायलों को 10 लाख मिलने चाहिए। जिनके परिवार के सारे सदस्य पुरुष व्यक्ति मर गए हैं उसके लिए विशेष पैकेज होना चाहिए। जिस होमगार्ड का बेटा और खुद भी वो मर गए, उनके लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था होनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि सरकार के इंतजाम नाकाफी हैं और इनका प्रदेश अध्यक्ष जो वहाँ का पूर्व विधायक है, उसने अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया। उनको वहाँ पहुँच जाना चाहिए था, झूठ बोल रहे कि वेदर नहीं था। अगर वेदर नहीं था तो एयरलिफ्ट करके घायलों को कैसे लाया गया? हरीश रावत और गणेश गोदियाल वहाँ कैसे पहुंचे? और ऑल वेदर रोड जिसकी तारीफ करते नहीं थकते हैं, करण मेरा उस मार्ग से 4 बजे जाके 10 बजे वहाँ पहुँच सकता है, तो महेंद्र भट्ट वहाँ क्यों नहीं पहुँच सकते थे? उनका किसी के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है और वो केवल गाल बजाने का काम करते हैं। महारा का आरोप है कि राज्य सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम में मानवता नहीं दिखाई। सरकार को जिस तरह से पीड़ितों की मदद करनी चाहिए थी वो मौके पर नहीं की गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सरकार से मांग की है कि इस मामले की सही तरीके से उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और मृतकों के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। साथ ही इस मामले में करण महारा ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को भी आड़े हाथों लेने का काम किया।